दोस्तों आज के वीडियो में हम सोल लैंड की आगे की नॉवल की कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक इसकी पिछले पार्ट को नहीं देखा है वह लोग जाकर जल्दी से उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। वह चैनल पर अवेलेबल है। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां डीप सी डेमोनिक वाले किंग की बॉडी से एक गोल्डन कलर सोल रिंग बाहर निकल कर आई थी, जिसे देखते ही टेंशन पूरी तरह से चौंक जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक मिलियन ईयर की सोल रिंग है, जिसकी साथ ही कहता है, मैंने पहले इस तरह की सोल रिंग क्वीन रेंगसू गॉड बनने के बाद उसकी दसवीं रिंग को देखा था। तभी इसी समय टेंशन की दिमाग में आवाज गूंजती है, सी गॉड एथ टेस्ट कम्प्लीटेड हो चुका है और सी गॉड इंटरेस्ट रेट को 30% बढ़ाया गया है, सब मिलकर टोटल 99% हो चुका है। तभी टेंशन को बो साइशी के एक बात याद आती है, जब उसने बताया था कि यह इंटरेस्ट रेट जितना अधिक होता है तुम्हारी इनहेरिटेंस उतना ही आसान होते हैं। यदि अगर यहाँ पर 100% होता तो अच्छा होता, लेकिन सी गॉड हार्ट ना होने के कारण 99% ही होता है। अब टेंशन जल्दी ही सी गॉड आइलैंड पर पहुँचेगा जहाँ पर बो साइशी टेंशन का रास्ता देख रही होगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि टेंशन के राइट लेग सोल बोन अपनी रिकवरी एबिलिटी की काम शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टेंशन महसूस करता है वाले किंग के सोल बोन और सोल रिंग 1 मिलियन एयर की कहे जाने के लायक है। इसने न केवल 97 रैंक ब्रेक किया बल्कि +2 होते हुए पीक लेवल पर 99 लेवल पर पहुंचा दिया होता है। इधर जीवू एक्साइटेड होते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि वह सक्सेस हुआ। यहाँ पर सभी लोग टेंशन का पूरे 7 दिनों से इंतजार करते हुए रास्ता देख रहे होते हैं। इसी के साथ जीवू के माथे पर टेस्ट का रेड मार्क फ्लैश होने लगता है और उसके अंदर एक आवाज गूंजती है कि 8th टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड की तौर पर सुपरपोजिशन दिया गया है। इसी के साथ ही टेंशन भी पानी से बाहर निकल आता है। हम देखते हैं कि उसके बॉडी पर कपड़े गायब होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पर गोल्डन लाइट दिखाई दे रही होती है। जैसे ही टेंशन सभी के पास पहुंचता है तो सभी लोग टेंशन को देखकर शर्माने लगते हैं। रोंग रोंग और कैट गर्ल शर्माते हुए पीछे हट जाते हैं। तभी ऑस्कर चिल्लाने हुए टेंशन को समझाने लगता है। जैसे ही टेंशन खुद को देखता है तो उसकी ऊपर कपड़े गायब हो चुके थे, तो ये देखकर टेंशन तुरंत ही अपनी ट्रेजर पॉकेट से कपड़े निकालकर पहन लेता है और सभी को चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी सीओ बाई टेंशन को रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें वाले किंग के हेड को खोलना है, जिस पर टेंशन अपनी ट्राइडेंट के ब्लेड से वाले किंग की हेड को काटने लगता है। हेड के खुलने के साथ चारों तरफ समुद्र में गोल्डन लाइट दिखाई देती है, लेकिन इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद भी उसका दिमाग काफी ज्यादा छोटा होता है। उसके हेड खुलने के साथ साथ एक तेज सुगंध हवा में फैल जाती है। अंदर से वह पूरी तरह से गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा होता है। बीच में एक पर्पल गोल्डन पल होता है, जिसे देखते ही टेंशन को एक फ्लैशबैक याद आती है जब उसने डार्क डेविल गॉड टाइगर को किल किया था। उस टाइम उसे इसी तरह की एक पल दिखाई दिया था। ये भी दिखने में सेम उसी की तरह होता है। तभी सीओ बाई बताती है, टेंशन ये किसी हेवनली ट्रेजर से कम नहीं है और यह 100,000 एयर से ऊपर के समुद्री सोल बिस्ट से मिलता है। इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इसका यूज तुम कैसे करोगे ये तुम पर डिपेंड होगा। हालांकि सीओ बाई भी उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकती है। इस पर टेंशन कहता है, मैं इसे सी गॉड हार्ट के जगह यूज करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग टेंशन को ऐसा करने से मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पहले सी गॉड आइलैंड पर पहुँचना है और वहाँ पर जाने के बाद ही फैसला करेंगे। फिर टेंशन इसे ट्रेजर पॉकेट में रख लेता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। जीवू और टेंशन सीओ बाई के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ पर ये दोनों अपनी शादी को लेकर अपने बच्चों तक बातें करने लगते हैं। इस पर सीओ बाई कांसते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए हो, मैं भी यहीं पर हूँ। सभी ने वाले किंग के एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया होता है, जिसके कारण सभी लोगों की रैंक बढ़ गई होती है। डाई मुंबई 88, ऑस्कर की 85 और मोटू की 86, जीवू की 80 और रोंग रोंग के 87 हो गई होती है। वही कैट गर्ल की 86 होती है। इसके साथ लगभग एक दिन बाद ये सभी सी गॉड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जिसकी साथ ही टेंशन टेंपल को देखते हुए कहता है कि हम आ रहे हैं।
वही दाई मुंबई टेंशन से पूछता है कि अभी चलना है या फिर कुछ आराम करना चाहोगे। तब टेंशन बताता है कि अभी की स्थिति में मैं एक मंथ तक बिना नींद किए रह सकता हूँ। इसके साथ ही हम देखते हैं ये सभी सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जाने लगते हैं। इधर हम टेंपल में सातों सोल मास्टर को देखते हैं, जो टेंशन का वेट कर रहे थे। इसमें ड्रैगन मास्टर आगे होते हैं और उनके पीछे सभी सोल मास्टर होते हैं। जैसे ही टेंशन सी ड्रैगन मास्टर के पास पहुंचता है, जिसके साथ ही ड्रैगन मास्टर कहते हैं, हमें तुम्हारे आने का इंतजार था, वो साइशी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी टेंशन नोटिस करता है कि सभी लोग का चेहरा उतरा हुआ है, जिसके साथ ही टेंशन ड्रैगन मास्टर पूछता है, सी ड्रैगन मास्टर आप सभी का चेहरा इतना उदास क्यों है, आखिर सी गॉड आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ है। हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्टर की उदास चेहरे को देखकर साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। लेकिन फिर ड्रैगन मास्टर बहाना बनाते हुए टेंशन से कहते हैं, जैसे ही तुम सी गॉड बनोगे, हम सभी मास्टर अपनी मिशन से फ्री हो जाएंगे, जो काम अब तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, अब हम रिटायर्ड हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह टेंशन को अंदर जाने के लिए कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि टेंशन अपने दोस्तों को लेकर सी गॉड टेंपल की अंदर जाने लगता है। जैसे ही वह टेंपल के अंदर पहुंचता है, तो वह बो साइशी का चेहरा को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि बो साइशी काफी ज्यादा बदल चुकी होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब बो साइशी का बुढ़ापा आ गया है। ये देखकर टेंशन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि पता नहीं क्या हुआ है, बो साइशी के पहले की पावर पीलिंग अब मुझे नहीं आ रही है। इधर हम देखते हैं बो साइशी को, जो कि टेंशन से कहती है, टेंशन मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। जिस पर हम देखते हैं जल्द ही टेंशन बो साइशी के पास पहुंच जाता है। वृद्ध बो साइशी को देखकर टेंशन काफी ज्यादा दुखी होता है। टेंशन बहुत कुछ पूछना चाह रहा होता है, लेकिन बो साइशी की आंखों को देखकर कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। इधर टेंशन के पीछे बाकी श्रेक डेविल्स होते हैं, वह भी बो साइशी को देखकर खुद को रोने से ना रोक पाए। इसमें रोंगरोम और कैट गर्ल ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए होता है। केवल जीवू ही थी समझ नहीं पा रहे होती है ये क्या है, जिसके साथ ही बो साइशी कहती है, क्या तुम हैरान हो, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। बो साइशी टेंशन को पीछे आने के लिए कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। ये सुनकर टेंशन भी बो साइशी के पीछे चलने लगता है। तभी बो साइशी बैठ जाती है। इधर टेंशन भी बैठने के साथ गहरी सांस लेता है और पूछता है कि क्या आपकी ऐसी हालत मेरी ग्रैंडपा से रिलेटेड है। जिस पर बो साइशी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहती है, टेंशन तुम इंटेलिजेंट हो, इसके अलावा मैं तुम्हें धन्यवाद कहूंगी, जो तुमने मुझे उसे आखिरी बार देखने का मौका दिया। ये तो टेंशन भी नहीं सोचेगा तुम ऐसा अनुमान लगा सकते हो। और बो साइशी बताने लगती है कि टेंशन ने मेरी फीलिंग को नहीं समझा, जब वह यहाँ आए तो हम दोनों फिर से मिले, उससे पहले सब कुछ मीनिंगलेस था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आकर भले ही मुझे खुशी दी, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख हुआ। इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, वह मैं हूँ। उस समय मुझे बहुत घमंडी था, मैंने उसे कभी साफ साफ नहीं बताया कि अपनी भावनाओं के बारे में, ये सब मेरी गलती है। बो साइशी कुछ हद तक अनकंट्रोलेबल लग रही होती है और साथ ही वह कांप रही होती है, जिसके साथ ही टेंशन कहता है, सीनियर ग्रेट ग्रैंडपा कहाँ है। फिर बो साइशी कहती है, क्या तुम जानते हो जब वह तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारे समान ही था, लेकिन वह तुमसे काफी ज्यादा जिद्दी था, बेशक यह उसकी पावर से भी जुड़ा हुआ था। जब मैं 30 साल की थी उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, और शायद यही कारण मैं भी उसे पसंद ना करने से खुद को नहीं रोक पाए। मुझे पहले ही पता था कि उसकी शादी पहले से ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं उसे प्रेम कर बैठी। लेकिन टेंशन इसे सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बो साइशी को हैरानी के साथ देखता है। बो साइशी फिर से टेंशन से कहती है, हाँ टेंशन पहले ही गुजर चुका है और अनंत काल में चले गए हैं, भले ही वह मेरी भावनाओं को समझ सकता था और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आया था, आखिर में उसने अपनी चेहरा दिखाया और उसने मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दिया और मुझे छोड़कर चला गया, और इसी तरह से मैं एक दिन में 10 साल तक वृद्ध होती गई और आखिर में मैं ऐसी हूँ। जिस पर टेंशन कहता है, यह नामुमकिन है, मेरी ग्रेट ग्रैंडपा की बॉडी पहले ही गॉड की बॉडी है, वह कैसे इस तरह से गुजर सकते हैं। आप गलत हो,
टैंशन को बोसाइशी के दिल तोड़ने वाली शब्दों का विश्वास नहीं हो रहा होता है। इस पर बोसाइशी कहती है, बच्चे बैठ जाओ, मैंने तुम्हें इन्हीं मसलों पर बात करने के लिए बुलाया है। और फिर से बोसाइशी कहने लगती है, उस समय जब तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडपा और क्वीन डोलू ने मेरे शर्तों को सुन लिया तो उन्होंने सी गॉड आइलैंड को एक साथ छोड़ दिया। क्वीन डोलू मेरा जैसा था, वह भी एक डिविनिटी गार्डियन था और एंजल गॉड टेम्पल को प्रोटेक्ट करता था। मुझे पता था कि वह कभी भी गॉड नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसने पहले ही हार मान लिया था। लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडपा ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे गर्व है कि वह अपनी वादा पूरा करने के लिए स्लॉटर सिटी में गए। आशुरा गॉड बनने के लिए उसी के चक्कर में फंसकर ब्लड किंग का काबू में हो गया और उसी के साथ स्लॉटर सिटी का किंग भी बना। ये सुनकर टैंशन भी समझ जाता है कि उन्होंने ही टैंशन की मदद की थी। लेकिन उससे टैंशन का बॉडी काफी कमजोर हो जाती है और जैसे ही टैंशन अपनी प्रेजेंस में आता है, असुरा गॉड की पावर उसमें एंटर कर जाती है। उस भयानक पावर के कारण टैंशन के बॉडी पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वह अपनी हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आ पाया। इस पर टैंशन कहता है, इसका मतलब ये है कि वह मैं था, खुद ग्रेट ग्रैंडपा को मार डाला। बोसाइशी गुस्से में कहती है, बेवकूफ बच्चे बकवास मत करो, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे लिए यही चाहते थे कि जब तुम यहाँ आते हो तो उनकी बॉडी पहले ही खत्म होने की कगार पर थी। मैंने मदद करना चाहे लेकिन ना कर सके, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। वह तुम्हें गॉड बनने देखना चाहते थे, लेकिन असुरा गॉड की पावर बहुत अधिक थी और उसे नहीं संभाल सके। उनकी बिखरी हुई बॉडी कैसे टिक हो सकती थी। यहाँ आने के बाद हमने 3 दिन तक बहुत कुछ बातें की और अनजाने में ही 3 दिन बीत गए। बात करते करते बोसाइशी की आंखों से नदी की तरह आंसू निकल रही होती है और पूरी ही बॉडी कांप रही होती है। बोसाइशी का दिल टूट गया होता है। वैसे टैंशन ने आखिरी सांस बोसाइशी के बाहों में ले ली होती है। टैंशन के लिए ये बहुत झटका होता है। काफी टाइम बाद बोसाइशी ने खुद को शांत किया और मुस्कुराने हुए कहती है कि यह प्रकृति का नियम है, हर किसी को एक दिन मरना ही है जब तक कोई गॉड नहीं बन जाता। उसे जो मेरी वजह से करवाहट मिली है, मैं निश्चित ही अगले जिंदगी में उसकी साथ दूंगी। तुम्हारे ग्रैंडपा गुजरने से पहले एकमात्र अफसोस था, वह तुम्हें गॉड बनते हुए नहीं देख सके। टैंशन, तुम्हें जल्दी से उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करनी चाहिए। तभी बोसाइशी टैंशन को एक तलवार देती है। यह वही तलवार होती है जिसका इस्तेमाल कूद टैंशन करता था। यह असल में असुरा गॉड का वेपन था जिसे बोसाइशी टैंशन को दे देती है और बताती है कि जिसे तुम्हारी ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए छोड़ा गया है। हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच ऐसे ही बातें चलने लगते हैं, जिसकी साथ ही हम देखते हैं बोसाइशी टैंशन के 9th टेस्ट को स्टार्ट कर देती है। और इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड ही पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।